नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। अब दिख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली खबर है दिनेश लाल यादव रवा जी की तरफ से। बहुत जल्दी दिनेश लाल यादव रवा जी एक और नई फिल्म का शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यानी जैसे ही लंदन से इंडिया आएंगे, वैसे ही एक और नई फिल्म का शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से। इन दिनों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सारे गाने का शूट किया जा रहा है। कल पवन सिंह के एक नए गाने का शूट किया गया रानी एक्ट्रेस के साथ, और बताया जा रहा है कि रानी एक्ट्रेस वाला गाना वेब म्यूजिक या VR म्यूजिक से ये गाना आ सकता है। अगली खबर है भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से। खेसारी लाल यादव जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव जी उस कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि मैं अपने लोगों से बर्बाद हो रहा हूं। अगली खबर है भोजपुरी के स्टाइलिस्ट प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनकी एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार फिल्म का शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है। फिल्म का नाम है शुभ मंगल सावधान। और प्रदीप पांडे चिंटू ने यह भी बोले हैं कि बहुत जल्द इस फिल्म का ट्रेलर और इस फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। अगली खबर है नीलम गिरी की तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त गाना आने वाला है। गाने का नाम है मछरी की काट के नथुनिया। इस गाने को 1 से 2 दिन के अंदर में निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। गाने को सुनिएगा, बहुत ही सुंदर गाना है। अगली खबर है भोजपुरी फिल्म सिंह साहब के तरफ से। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर को 18 तारीख को शाम 7 बजे इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर होने वाला है। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे देव सिंह और अंजना सिंह। अगली खबर है गायक नीलकमल के तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त गाना आने वाला है। गाने का नाम है ओढ़निया मोइलबा। इस गाने को टी सीरीज हमार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से 1 से 2 दिन के अंदर में रिलीज किया जाएगा। गाने को सुनिएगा, बहुत ही कमाल का गाना होने वाला है। अगली खबर आ रही है भोजपुरी फिल्म एक दिन की सास के तरफ से। इस फिल्म को आज शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा TV पे चलाया जाएगा। फिल्म को TV पे एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार पारिवारिक फिल्म होने वाली है। और दोस्तों, फ्लो खेच की तरह खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।